नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करने जा रहा हूं आपके सामने मंथली फोरकास्ट नवंबर 2019 का। लेकिन जो मंथली फोरकास्ट है, इसका बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, इसका बेस है आपकी चंद्र राशि, आपका मून साइन। मंथली फोरकास्ट है नवंबर 2019 आप सबके लिए। इस मंथली फोरकास्ट का कोई लेना देना सन साइन से नहीं है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं है। अगर आप इस मंथली फोरकास्ट को देख रहे हैं सन साइन के मुताबिक, तो ये आप पे अप्लाई ना होगा। इस मंथली फोरकास्ट को देखा जाए अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, अपने मून साइन के मुताबिक 2019 नवंबर के लिए, आप सबके लिए। अगर आप अपने हॉरोस्कोप की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें आपके हॉरोस्कोप की पूरी रिपोर्ट, सारे उपाय, सारी प्रिकॉशंस और सारी मंत्र साधना आप लेना चाहते हैं, तो आप जो नीचे दिया जा रहा लिंक है हमारी वेबसाइट का, उस लिंक को दबाएं और वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन टैब को दबाना होगा। तो सब्सक्रिप्शन टैब दबाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने होंगे। जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं उसको आप हासिल करें और उसके बाद उस सब्सक्रिप्शन प्लान के मुताबिक सभी वीडियोस को एंजॉय करें। जो भी आपके पैकेज में है उसमें पूरे वीडियो के मुताबिक फोरकास्ट और रिपोर्ट आपको मिलेगी। धन्यवाद। एरिस मंथली कंक्लूजन मंथ नवंबर का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एरिस के लिए। हेल्थ नवंबर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन कारण नहीं पता चलेगा। इस समय अपने लंग्स, अपनी बैक का बहुत ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी के अंदर रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं, जब मोटापा बढ़ गया है या बहुत एक्सपैंड कर गए, तो डाइट का बहुत ध्यान रखें। इस समय रात की नींद और आराम बहुत ज़रूरी है। अगर रात की नींद आपकी डिस्टॉर्ट होगी, आराम डिस्टॉर्ट हो गया, तो आपका केमिकल बैलेंस बॉडी में थोड़ा बिखर जाएगा, उसका असर पूरी सेहत पर पड़ेगा। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, आराम का भी ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन ना करें। अगर मोटापा बढ़ जाए तो डाइट और एक्सरसाइज में थोड़ा एफर्ट डालनी होगी। इस समय ऐसे पदार्थ ना खाएं जो शरीर पे भारी पड़े, और अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखें। दवा लेते हुए भी थोड़ा ध्यान रखें कि किसी दवाई का कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। अगर आपको मेल और फीमेल का हेल्थ इशू है, तो डॉक्टर से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूर जाएं। हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना होगा। खासतौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपको हार्ट का इशू है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी हेल्थ के ऊपर, प्लीज़। एरिस के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के लिए मंथ नवंबर 2019 नवंबर का जो पूरा मंथ है, इस समय जो टाइम पीरियड चल रहा है, हर एजुकेशन के लिए टाइम पीरियड बहुत यूनिक है। एफर्ट का रिवार्ड मिलेगा। अगर आप एफर्ट एजुकेशन में डालेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, टीचर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप लॉ स्टडी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं और या स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के अंदर हैं, मैथ्स के अंदर हैं, आईटी के अंदर हैं, या आप ऐसी कुछ सर स्टडी कर रहे हैं जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, तो रिजल्ट इस मंथ बहुत अच्छे होंगे। एजुकेशन में जो भी आप एफर्ट डालेंगे, जो भी आप टाइम डालेंगे, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। लेकिन एजुकेशन के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आपका फोकस बिखर गया, कंसंट्रेशन बिखर गई, तो रिजल्ट वैसे ना होंगे जैसे आप चाहते हैं। हर एजुकेशन तब बिखरेगी जब आपका फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होगी, तब आपके रिजल्ट वैसे ना होंगे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है। एरिस के लिए रोमांस रिलेशनशिप मंथ और नवंबर के अंदर, इस पूरे मंथ के अंदर रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप वैसे तो बहुत सिंसियर हैं, बड़े फेथफुल भी हैं, लेकिन अफेक्शनेट भी हैं, लेकिन कई बार आप ऐसे डेमोंस्ट्रेशन नहीं करते अपनी अफेक्शन की। बहुत इंजॉय करेंगे अपनी रिलेशनशिप को लेके, और रिलेशनशिप पे बड़ा एफर्ट भी लगाएंगे, और रिलेशनशिप इस साल, इस पूरे मंथ के अंदर, ये जो पूरा मंथ है नवंबर, इस पूरे मंथ के अंदर कई बार आप चाहेंगे सीक्रेटली रिलेशनशिप डिवेलप किए जाएँ, या सीक्रेटली आप किसी से मिलना चाहेंगे, लेकिन उसके वो भी हश हश में, किसी को बताना नहीं चाहेंगे। रिलेशनशिप चैलेंजेस से भरपूर होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होगी। कई बार अफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है रिलेशनशिप में, जैसे आप चाहते हैं वैसी नहीं भी होगी। आप बहुत चाहेंगे इंटेंसिटी रिलेशनशिप को लेके, लेकिन पावर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होगा। कई बार रिलेशनशिप में ईगो लेके आ जाएंगे, ईगो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकती है। फोर्सफुली आप कोई चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप थोड़े डिफिकल्ट होंगे।
मैरिड रिलेशनशिप, मैरिज अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। कई बार बातचीत का सलीका या एक दूसरे की इज्जत करना या आपका एटीट्यूड या पार्टनर का एटीट्यूड कई बार वो इतना अच्छा नहीं होगा, उसकी वजह से कई बार आप किसी चीज़ को कंट्रोल तो करना चाहेंगे लेकिन वो कंट्रोल ना हो पाएगी। कई बार आपके पार्टनर की विशेज आपके मुताबिक नहीं होगी, कई बार आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत सारी कोल्डनेस होगी। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि इस समय अगर आप प्राइड और ईगो रिलेशनशिप में लेके आ गए तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उससे कई बार रिलेशनशिप आपका स्पॉयल हो सकता है। और मैरिज रिलेशनशिप के लिए बहुत टेंशन चाहिए, बहुत पैशन चाहिए, बहुत लव अफेक्शन चाहिए, बहुत केयर चाहिए। करियर और प्रोफेशन को लेकर बात करेंगे एरीज के लिए मंथ ऑफ नवंबर 2019 का। आपकी जो ड्राइव होगी वेल्थ की सक्सेस के लिए वो ठीक है, आपके हाईएस्ट एस्पिरेशंस होंगे, एम्बिशंस होंगे, वो फुलफिल हो जाएंगे मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। आपकी लेबर, आपका हार्ड वर्क, आपका प्रोग्रेशन आपके मुकद्दर के लिए चमक पैदा करेगा। आप एक बहुत हार्ड वर्कर हैं लेकिन करियर के अंदर थोड़े बहुत गैप्स हो सकते हैं, लेकिन इस फील्ड के अंदर अगर आप हैं जिसका ताल्लुकात लीगैलिटी के लिए साथ है, मैनेजमेंट के साथ है, या अगर आप एरीज हैं, आप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, आपका लीगल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशनल है, या गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे इस मंथ के अंदर प्रोफेशन को लेकर। आपकी को बहुत लंबी टाइम से जो चल रही थी प्रॉब्लम वो डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा ये पूरा जो मंथ है नवंबर का एज ए काउंसलर, एज ए टीचर आपके लिए रिवार्डफुल होगा। लेकिन आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा और आपको शायद आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके कुछ एफर्ट डालनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे मंथ नवंबर के अंदर आप अपने प्लान्स को मटेरियलाइज करेंगे, अपने विजन को मटेरियलाइज करेंगे, लेकिन किसी काम को बनने में थोड़ी बहुत देरी बहुत ज़रूर होगी। कई बार लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से कई बार रिलेशनशिप मैट जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं उस पर कोई बार सस्पिशन डेवलप हो सकते हैं। थोड़ी बहुत हार्डशिप होगी, इनकम के रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी होगी, थोड़ी बहुत रनिंग अराउंड भी होगी, थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी। ये पूरा जो मंथ है उसमें एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, कई बार रिवार्ड रिजल्ट वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाहते। नमस्कार, आप अपनी सब्सक्रिप्शन को चेंज करना चाहेंगे पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसपे अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप इंजॉय करेंगे 52 साप्ताहिक भविष्य, जो साप्ताहिक भविष्य फोरकास्ट आपके साथ दिया जाता है, जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और हर वीक का जो वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक भविष्य होता है उसके अंदर उपाय क्या होते हैं, क्या परहेजगारी क्या होती है और क्या मंत्र साधना करनी चाहती है, और पूरा जो वीक का डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए क्या होगा हर वीक का, 52 के 52 हफ्तों का वीकली फोरकास्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हर वीकली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 500 शब्दों से ज़्यादा होती है, और हर वीडियो जो वीकली फोरकास्ट की होती है वो 4 मिनट के करीब होती है, 4 मिनट से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। 12 मंथली फोरकास्ट होते हैं हर महीने का, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर मासिक भविष्य इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और बहुत और प्रोडक्शन की गई है हर एक मून साइन के मुताबिक उसकी पूरे मास का बहुत उसका फोरकास्ट क्या होगा, उपाय क्या होंगे, प्रिकॉशंस क्या होंगी, मंत्र साधना हर एक मून साइन के बारे में क्या दी जाएगी, और साथ में ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का जो भविष्य वो भी शेयर किया जाएगा। मंथली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा होती है, और मंथली फोरकास्ट की जो वीडियो होती है वो अराउंड 6 मिनट से ज़्यादा होती है। इसी तरह जो ईयरली फोरकास्ट जो वार्षिक भविष्य होता है वो हिंदी में भी आपको लिए उपलब्ध किया जाएगा, और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको। और उसमें वार्षिक भविष्य के अंदर जो फोरकास्ट किया जाता है उसमें पूरे साल की प्रेडिक्शन होती है, सभी ग्रहों के गोचर होते हैं, आमतौर पर शनि, बृहस्पति, राहु, केतु का गोचर होता है, और उसमें सभी ग्रहों के, इन ग्रहों के आप पे क्या फल घटित होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बखान किए जाते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए अगर नेगेटिव हो, कौन सी मंत्र साधना आपको को लेनी होगी बृहस्पति से को लेके, शनि को लेके, राहु केतु को लेके, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी पूरे साल के अंदर, आपकी पढ़ाई लिखाई अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन करियर कैसा होगा, आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका इश्क, आपका रोमांस, आपकी रिलेशनशिप कैसे होंगे,
आपके कारोबार के अंदर क्या तरक्की होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपकी जॉब के हालात क्या होंगे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके हालात क्या होंगे, आपकी पूरे साल की उपलब्धियां क्या होंगी, इस पूरे आने वाले साल के अंदर क्या दुश्वारियों को फेस करना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, इस पूरे साल की उपाय पद्धति क्या होंगी, क्या कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से रेमेडीज आपको फॉलो करने चाहिए, इस पूरे साल के अंदर कौन से परहेज आपको करने चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना होगा, इस पूरे साल की मंत्र साधना कौन सी है, मेडिसिनल क्योर यानी अगर कोई विपता आ गई उससे जूझना कैसे करना, किसी भी तरह की विपताएं हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो उससे कैसे जूझना, या ऐसी मंत्र साधना जो आपको सिरमौर बनाए, जो आपको बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट दिलवाए, वो कौन सी होगी। इस सभी जो ड्यूरेशन है ईयरली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट होती है वो आमतौर पे 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है, यानी 7000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है। ईयरली फोरकास्ट की जो वीडियो होता है हमारा वो 90 मिनट से कम नहीं होता, अराउंड 90 मिनट्स के बराबर होता है। और अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे 52 वीकली फोरकास्ट, आपके साथ शेयर किए जाएंगे 12 मंथली फोरकास्ट यानी 12 मासिक जो भविष्य होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो पूरे साल का भविष्य आपके साथ शेयर किया जाता है, यानी 65 रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं और 65 या वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं अगर आप पेड सब्सक्राइबर बने। तो फिर देर किस बात की है, जाएं आप चूज कर लें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। थैंक यू।